लीजिए। ब्रेक सायरम कर लीजिए। टू ऑल। सायराम सायराम सर, सायराम सायराम सर, सायराम सर, सायराम सेकंड थर्ड चैप्टर कॉपी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज हम सर कर चैप्टर लिया। नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सर गुड, अच्छे। यस, सो सायराम चैप्टर नंबर सर, 4 सर इज मेल पर्च। सायराम, पहले फोर्थ मैं अपना चैप्टर स्क्रीन कॉपी शेयर करता हूं रीडिंग आपको। करवाएंगे कि रीडिंग? आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक फर्स्ट। उसके फिर वो क्वेश्चन वगैरह कब डिस्कस करेंगे? हाँ, पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, एंड व्हेन द टाइम इज लेफ्ट देन वी विल डिस्कस। मानस, मानस कैसे हो? सर अच्छा हूँ। सर ओके, सब अच्छे हैं। हाँ, ओके, चलिए ठीक है। मैं पहले मानव से, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। मानव का अगर देखते हैं, कुछ पता हो। मानव, आपको बताना है कि आपके फादर, आपके शॉप का जितना भी बिलिंग होता है या जितनी भी परचेज होती है, सेल होती है, वो यस सर, उसको कहीं पर एंट्री करते हैं उसकी? यस सर, उस किस जिस पर एंट्री करते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं आप? खाता, सर रजिस्टर बोलते हैं शायद। सर रजिस्टर इंग्लिश में और फिर हिंदी में खाता। तो मानव, दिस बुक, रजिस्टर। सर आपकी आवाज वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। यस सर, मानव आपने वो बुक देखी है? अच्छा, यस सर, ठीक है। सर मेरे तो पास अभी मानव, है। सर आप, अच्छा, आप शो कर सकते हैं उसको अभी? कैसी दिखती है वो, यस सर, दिखाइए। कैमरा मैंने खुद देखे सर। ओपन करके बस दिखा दीजिए। सर 1 मिनट। हाँ, ओके, ओके। सर बस सर और भी हैं, फाइल है सारी। कोई भी एक फाइल आप दिखा दीजिए। मॉनिटर कैमरा ऑन है सर, ये वाली सर पापस में ज्यादा यूज करते हैं। आप कैमरा तो ओपन करिए आपका। सर ऑन है, स्टार्ट सर ऑन है, है आपका हमारा कैमरा कैमरा ऑन है। ऑन है। मुझे मुझे मानव दिखाई नहीं दे रहा है। सर मानव ने अपना कैमरा स्विच किया हुआ है। सर मैम सर पिन कर सर लीजिए। ने लेफ्ट ही कर दिया। सब आपसी ज्वाइन कर रहे होंगे, अभी सबको थोड़ा टाइम लगेगा। मनु अपनी वीडियो ऑफ कर ले। कर क्यों? अभी ली यहाँ पे भाई। टीम में मीटिंग है। अरे मेरे से बोल रहे हैं, मेरे से। अरे वीडियो ऑन है, वो रिकॉर्डिंग ऑन है। तो पूरी दुनिया में छा दोबारा जाएगा पिक करते मनु। हैं। सर बहुत अच्छी बात है। शांत हो जाओ।
2 मिनट रुकना। हाँ हो गया सही ना सर। सायराम सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका बस कैमरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर माइक का सर आपका माइक ऑन है फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे रुक जाओ सर को बोलने तो दो। सर बोल ही नहीं रहे इसलिए सर की आवाज नहीं आ रही। सर कह रहे हैं थोड़ा रुको। वेट अच्छे के यहाँ से गंदी सी आवाज आ रही है। यस सर नहीं है कहाँ चले गए अभी तो थे सर। हम सर
वेदांश सर, वेदांश आ रही है? यस सर। सर अब आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। यस सर। And all of you have to understand first what is the meaning of data source. Data source kya hota hai? Yes, I will give you 2-3 examples of data source. सबसे पहले हमको समझना होगा डेटा सोर्स क्या होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये आपका गूगल फॉर्म, हैव गिवन द टेस्ट ऑन दिस गूगल फॉर्म। सर मैं इसके पास आपकी लिंक नहीं आई। देखिए यहां पर टेस्ट देते हैं, ठीक है सर, आपकी आवाज। तो वो डेटा आपका हो जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। आप निकल जाइए बस, आप देख जाओ बस, ठीक है। ये फर्स्ट इज डेटा फॉर्म। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ गोइंग टू गिव, आई एम गोइंग टू मार्क एनी आंसर, ठीक है। अभी मैं रॉन्ग आंसर्स को भी टिक कर रहा हूँ। सर आपके लिंक सेंड कर देते हैं वो डिफरेंट। सर आपकी ब्रेक, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं।
हेलो तन्मय। हेलो मनास। हेलो साइराम सर। साइराम सर। साइराम सर। आपकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। आपकी आवाज रही। यस सर। अरे भाई कितनी बार साइराम सर बोलोगे? मारे तो फूल। नेटवर्क इशू है आज तो यस सर। पर कोई। आपकी लेकिन आवाज नहीं आ माइक रही। माइक में तो मत बोलो। ओके सर, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ वो अभी आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो आप जिस तरह से एंट्री करते हैं अपने, जब आपके टीचर्स आपका टेस्ट लेते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो ये डेटा कहाँ पर जाता है, वेयर द डेटा गोज। आप देखिए ये पूरा डिपेंड आ जाता है। रेस्पॉन्सेस के 3, और ये पूरा जब आप इसे अपने फॉर्म पे जो भी आप अपना नेम लिख करते हैं, एक्सेल लोड हो जाता है। 4 इंटी तो ये हेडिंग में चले गया। तो ये एक्सचेंज है, ये हमारा कहलाता है डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स का मतलब क्या है, जहां पर आपका पूरा डेटा आके स्टोर होता है। ओके, सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल
फ्लड सोर्स। अब देखिए देयर इज वन फॉर्म, आपके सामने एक फॉर्म है, ठीक है। अब आप इस फॉर्म में एंट्री करते हैं, so I am going to give an entry in this form. अभी हम एक डमी एंट्री करते हैं और ये डमी एंट्री करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा डेटा कहां पर जाके सेव हो रहा है। सर डमी एंट्री कैसे होती है? डमी एंट्री का मतलब है ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये सब रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर करा है, ठीक है। पर अभी आपने ओपन क्या किया है? आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, नो सर, बट आपने ओपन क्या किया है बता रहा हूँ सर। आपने इतनी सारी चीजें ओपन कर ली। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा है सेव एंड न्यू, ठीक है। सेव एंड न्यू पे क्लिक करा है और ये पूरा डेटा जो आपका जाता है वो किस में जाता है? एक्सेल शीट में। ये जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म थ्रू हमने एंट्री करी, अब ये पूरा डेटा आपका हमारा एक्सेल शीट पे जाएगा। जो एक्सेल शीट में जब वो डेटा चले जाता है उसको हम बोलते हैं अपना डेटा सोर्स। ये देखिए यहां पर जो मैंने अभी एंट्री करी थी वो यहां पर शो हो गई। तो मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, कि डेटा सोर्स क्या होता है, ठीक है। डेटा सोर्स वो है जहां पर हमारा सारी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स जाके स्टोर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक्सेल शीट में ये पूरा डेटा स्टोर हो जाता है। यहाँ पे अभी मैंने जो फॉर्म के थ्रू एंट्री करी है वो पूरा डेटा यहां पर आ गया, ठीक है। सो आई गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मैंने अभी दो एग्जांपल दिए, ठीक है। पहला एग्जांपल कौन सा दिया है? फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ये, आप इस तरह से एग्जाम आपका टेस्ट होता है, यहां पर आप एंट्री करते हैं, है ना। ये आपका डेटा कहां पर जाके स्टोर होता है? एक्सेल शीट में। सो दिस इज योर डेटा सोर्स, है ना। अब सेकंड एग्जांपल मैंने क्या दिया है, मैंने एमएस एक्सेस ओपन करा है और उसमें मैंने एक फॉर्म ओपन करा था, फॉर्म के थ्रू एंट्री हुई थी, तो वो एमएस एक्सेल में इस तरह से जाके डेटा स्टोर हुआ। अब आप ऑल ऑफ यू टेक योर कॉपी एंड पेन, कॉपी और पेन लें और उसमें टॉपिक लिखें डेटा सोर्स। टॉपिक है हमारा पहला डेटा सोर्स,
वेदांश आर यू हियर? यस सर। यस वेदांश, आप मुझसे कनेक्ट है ना? ठीक है, तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप बीच में बोल देना या चैट बॉक्स में बोल देना यस सर, है ना? सिर्फ आप बीच बीच में आप मुझे रेस्पॉन्स दे रहना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स में आप लिखिए अपने कॉपी में सबसे पहले लिखिए, हमारा डेटा सोर्स का फर्स्ट एग्जांपल है एमएस एक्सेल। इज आवर डेटा सोर्स। और जैसे मानव ने बताया कि उनके घर पर एक खाते के फॉर्म में जो फाइल्स रहती हैं, दो फाइल्स उन्होंने डेटा सोर्स, जहाँ पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। यस सर। यस, मेरे जो दुकान है ना उसमें भी खाता बुक वो बुक में लिखा जाता है। अच्छा दिव्य, आप क्या बता रहे हो? सर हमारे में भी खाता ही लिखा जाता है वो खाता बुक में। अच्छा अच्छा ओके, हमारे भी लिखता है। ठीक है गुड। यस अर्पित के पास भी इसी तरह की डेटा सोर्स फाइल है। ओके सर, ऐसे पता है वहाँ पर 5, 9 या 10 थी। ठीक है ओके। सर मानव कह रहा है कि रफ में लिखना है या कोर में? अभी तो रफ में हम कर रहे हैं, रफ में। यू हैव टू राइट ऑन रफ वर्क। सर फेयर में नहीं लिखना? ठीक है, आपको डेटा सोर्स समझ में आ गया? डेटा सोर्स क्या है? Now what is data source? जहां पर हमारे सारी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज अवर मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट वो होता है द डॉक्यूमेंट विच वी गिव द डिटेल्स। यहाँ पर हम अपनी पूरी डिटेल शेयर करते हैं, वो मेन डॉक्यूमेंट होता है ना। आप बीच में कोई मत बोलना, जिससे पूछे उसको बोलने देना। ठीक है, आप यहाँ पे टॉप पे दो फाइल देख रहे हैं, वन फाइल इज हियर एंड वन फाइल इज हियर। बताएगा दिस इज गूगल फॉर्म एंड दिस इज एक्सेल फाइल। ओके, आप सबको ये फाइल दिख रही होंगी, है ना? यहाँ पर सबसे टॉप पर। तो महेश आपको बताना है यहाँ पर इन दोनों फाइल्स में से डेटा सोर्स वाली फाइल कौन सी है। सर आपके स्क्रीन में दिख रही है मैश, ये टॉप पर आपको दो फाइल्स दिखाई दे रही है, ये देखिए ब्लैंक गूगल फॉर्म्स दोनों स्क्रीन में दिख रही है। महेश, इन दोनों में से कौन सा डेटा सोर्स है? महेश के बाद देवांशु। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। विच द मेन डेटा सोर्स फाइल हियर? जो भी बता सकता है बता सकता है। सर सेकंड टॉपिक हमने लेफ्ट पर लेफ्ट होना है।
all of you pay attention here. See, this is our सर स्क्रीन नहीं दिख रही नहीं आ रही सो दिस इज आर डेटा सोर्स फाइल्स ये हमारी डेटा सोर्स फाइल है और ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है ठीक है यहाँ पर ये मेन डॉक्यूमेंट है और ये हमारा डेटा सोर्स फाइल है अब एक और बताना ये एक और आपके सामने होगी ये हम डेटा सोर्स फाइल है ये जो आप सामने देख रहे हैं दिस इज डेटा सोर्स फाइल एंड दिस इज मेन डॉक्यूमेंट ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम अपनी एंट्री करते हैं ओके फिर वो आपको मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है डॉक्यूमेंट यस हाँ पूछिए सर सर एमएस एक्सेल के अलावा और भी कोई डाटा सोर्स होते हैं हाँ Yes, there are so many data sources. There are so many data sources. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो फोकस ऑन स्क्रीन ओनली इसका नेटवर्क इशू की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा वो मतलब सत्यसाई की आईडी से हाँ वन मिनट डॉक्यूमेंट क्या होता है मेन डॉक्यूमेंट इसके थ्रू हमारा डेटा सोर्स में जाता है ठीक है अच्छा अभी नाउ सी सर कितने हाँ यस बोलिए सर मेरा yes. सर मेरा MK2984 वाला चल नहीं रहा था SSSV वाला जीमेल तो इसलिए मैं इस वाले से कनेक्ट हो गया हाँ ठीक ओके तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आज हमने क्या सीखा है हमने सीखा है और दूसरा है मेन डॉक्यूमेंट आपको रिकॉग्नाइज करना होगा यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा मेन डेटा सोर्स क्या होता है और मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है ठीक है अब मैं आई एम गिविंग यू द लास्ट एग्जांपल ठीक है इससे आपको और समझना होगा कि हमारा डेटा सोर्स कौन सा है और मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है This is our main document. ये जो हमने अभी MS Word ओपन करा है ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है और मैं जो ओपन कर रहा हूँ वो हमारा डेटा सोर्स है This is our data source. And this is our main document.
देखते हैं इसको ध्यान में, आपके ने डिस्कस है कि तन्मय गिव वन एग्जांपल ऑफ डेटा सोर्स। तन्मय इज हियर, एमएस एक्सेल। सर ने मीटिंग लीव कर दी क्या? पूरी क्लास इसी में निकल गई, पूरी क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर पाए, इतना अटक रहा है सर का नेट आज। पता तो है अपन को, तो चुप हो जाओ ना, चुप नहीं हो सकते वरना मैं सर को बोल दूंगा। तू तो बोल ही देना बेटा। क्या? अरे क्या जी बताओ, सब लोग बोल रहे थे सर आ गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट वन वेट, सर सर बहुत से बच्चे ना जब आपकी वो लीव कर देते हैं तो बोलते रहते हैं, जैसे अर्चित रुद्र सब अपना माइक ऑन करके हेलो हेलो करने लगते हैं। देखिए ऑल फोकस ये है, हाँ चलिए ध्यान रखिए आप सर, है ना? ठीक है, तो वेदांश आप बताइए, गिव वन एग्जांपल ऑफ डेटा सोर्स। सर एमएस एक्सेल। गुड, दिव्यांश गिव वन एग्जांपल ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। प्रांजल गिव वन एग्जांपल ऑफ डेटा सोर्स। प्रवंशिका यस सर, गिव एन एग्जांपल ऑफ डेटा सोर्स। एमएस एक्सेल। चलिए आप सबको समझ में आ गई बात कि आज हमारा टॉपिक था डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट। तो प्रणव गिव एन एग्जांपल ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। सर वो कह रहा है कि उसका वो नहीं हो रहा। हाँ कोई बात नहीं, प्रणव आप बताओ, गिव वन एग्जांपल ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, हाँ ठीक है। आर्यन सर पावर पॉइंट। गिव वन एग्जांपल ऑफ पावर पॉइंट नहीं है अभी, वी आर हैविंग ओनली टू एग्जांपल्स हियर। ठीक है, वन इज ये देखिए आप, मेन डॉक्यूमेंट हमारा एमएस वर्ड है, दिस आर मेन डॉक्यूमेंट, एंड सेकंड इज दिस इज आवर सोर्स, हमारा डेटा सोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने ये पूरा समझ लिया कि हमारा कौन सा डेटा सोर्स है और कौन सा सर बहुत से बच्चे दूसरा क्या है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलिए, ठीक है आगे नेक्स्ट क्लास में आगे समझेंगे कैसे हमको अपने मेन डॉक्यूमेंट को अपने डेटा सोर्स से कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम सीखेंगे। सो ऑल ऑफ यू जॉइन योर एंड्स। ओ शांत।
शांति शांति शांति। सायराम सायराम टू ऑल। Sir, can we leave? Yes, okay. Sairam. Sairam, sir. Sir, can we leave now? Sairam. Yes, yes, okay.